बोल दूंगा कि मैं खाना खा के नहीं सोया तो किसी माँ को नींद नहीं आएगी। अगर उनका बेटा अपने टाइम पे, मैं देखती थी कि जब भी पढ़ाई करता था टाइम निकाल के मैं सो रही होती थी, कुछ भी कर रही होती थी, तो बैट बॉल लेके या बॉल लेके ये निकल जाता था चुपचाप से, दरवाजा बंद कर, पता ही नहीं चलता था। छोटा मोटा ड्रीमर होता है वो, चोट वगैरह लगी तो इसके वजह से आदमी छोड़ देता है, लेकिन इन्होंने उसको अपना पैशन बना लिया। नहीं, हमेशा प्रोसेस पे ध्यान देते हैं कि मुझे करना है, अच्छा करना है, हर टाइम अच्छा करना है। फेलियर से वो घबराते नहीं है। जी कभी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई रहता कि फिर ग्राउंड नहीं आना, नहीं ये नहीं करना, लेकिन उनका नहीं भी होता, वेरी नेक्स्ट डे वो ग्राउंड आएंगे, फिर से वही डेडिकेशन, फिर से वही कि मुझे करना है करना है, बस प्रोसेस पे। रिजल्ट्स के बारे में वो ज़्यादा शुरू से ही नहीं सोचते थे। तो बचपन में जैसे मेरा जो बॉलिंग इंस्पिरेशन था वो ब्रेटली थे, बिकॉज उनका एक्शन मैंने बहुत कॉपी करने का स्टार्ट किया शुरू में। घर में भी बहुत कॉपी करता था, वो ढक्कन अक्कन होता उससे पकड़ के मैं कॉपी करता था। नॉटी मीन्स ये मैं किससे क्या बताऊँ, तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा होती थी, पड़ोसियों का भी खुद का भी, पूरी छत तोड़ डाला, मुझे कई बार बनवाना पड़ा उसको प्रैक्टिस जब करता था। हाई स्कूल के बाद जब यहाँ हाई स्कूल के सेंट जोसेफ में पढ़ते थे तो हम लोग फिर इनको अब यहाँ से बाहर भेजे, वहाँ दिल्ली में विद्या जैन एकेडमी है, वहाँ पे पढ़ने का भी था और प्रैक्टिस करने का भी था। या हम लोगों ने इसको बैठा के पूछा कि तुम्हें इसी में कैरियर करना है या कुछ और करना है, तो फिर हम लोग उसके हिसाब से प्लान करेंगे। उसने बोला, सीधा सीधा बोल दिया कि मेरे को यही करना और कुछ नहीं करना, हाँ लेकिन मैं पढ़ाई भी करूँगा। CAP ग्राउंड है, वहाँ प्रैक्टिस करने जाता था मैं अक्सर। वहाँ पे जो मेरे कोच थे वो मतलब मेरे चाचा लगते हैं। फिर दिल्ली में कंटिन्यूस प्रैक्टिस चली 3-4 साल, AN शर्मा एकेडमी है विकासपुरी में, उनके अंडर प्रैक्टिस चली, इम्प्रूव किया, बहुत कुछ काम किया उन्होंने मेरे पे, जंप पे, स्पीड पे, रनअप पे बहुत काम किया, बहुत अच्छा काम करके वापस आया मैं। वो लीग वगैरह खेलना मैंने स्टार्ट किया वहाँ पे। मैं नॉर्मल प्रैक्टिस करने के लिए गया हुआ था, उसी ग्राउंड में लगा हुआ था कैंप, तो मैं गया सर से बात करने, अशोक सर से, कि सर क्या मैं बॉल डाल सकता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि क्या डालते, मैंने बोला फास्ट, तो कह रहे ठीक है डालो। बॉल दी एंड देन आई स्टार्ट गेटिंग द बैट्समैन आउट, एज लग रहा था, बोल्ड हो रहा था, बीट हो रहा था, बाउंसर हो रहा था, तो उन्हें अच्छा लगा। सो उन्होंने मेरे को बुलाया, पूछा कहाँ प्रैक्टिस करते थे, कहाँ करते हो, सीनियर कंडीशनिंग कैंप लगने वाला है, सो बी रेडी फॉर दैट। मैंने बोला ठीक है सर, ओके। फाइनल कंडीशनिंग कैंप लगा तो उसमें टोटल 60+ बच्चे थे, तो उनका एक प्रॉपर एक ट्रेनिंग कैंप हुआ और मैचेस हुए उनके बीच में। देन वहाँ से फिर शॉर्टलिस्ट हुए, बिकॉज उस टाइम 15 की टीम बनती थी, तो उसमें मेरा फर्स्ट टाइम बिहार को मान्यता मिली एंड उसमें मेरा लिस्ट में नाम था 15 नंबर पर। आई एम वेरी थैंकफुल टू BCA एज वेल। वहाँ से फिर मैं पिक अप हुआ ट्रायल से। एक्चुअली मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो पापा ही एक थे जो घर पे अर्न कर रहे थे, तो कई बार ये भी आया कि यार कहीं कुछ पार्ट टाइम कर लेते हैं मैकडी वगैरह में, मैकडी में कुछ बन जाएंगे यार, कुछ मिल जाएगा, 7,000-8,000 कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो बट सोच रहा था कि करेंगे तो यार फिर प्रैक्टिस हैम्पर होगी और महंगी तो है क्रिकेट, पहले भी थी अभी भी है, तो घर वालों से नहीं बताता था इतना। कुछ सीनियर्स थे वो मेरे को शूज़ वगैरह दे देते थे, तो हाँ कई रातें ऐसे गुजरी हैं जो मैं मतलब ऐसे ही सो गया हूँ दूध पी के या दूध रोटी खा के, फिर नींद ना आए रात में। अगर मैं बोल दूंगा कि मैं खाना खा के नहीं सोया तो किसी माँ को नींद नहीं आएगी। अगर उनका बेटा अप डाउन्स बहुत रहे हैं लाइफ में, रिजेक्शन तो मतलब था कि आपको नेक्स्ट वाला का ही पता होता था कि यार यहाँ भी नहीं होना है, कोई फायदा नहीं है देखे। MRF का ट्रायल हुआ या रेडबुर्ग का भी ट्रायल होता था, कई जगह भी होता था, तो जाते थे देते थे, बट डिसअपॉइंट होके आना पड़ता था कि यार
नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, एक अंदर एक मन में बैठ गया था कि यहाँ नहीं होना ही नहीं है अब ट्रायल में। इंजरी हुई है बीच में काफ़ी, बैक पेन का मेरे में था बहुत ज़्यादा, लास्ट तक जाते जाते मतलब कैंप तक पहुँचते पहुँचते तक भी रिजेक्शन, ये नहीं कि फिर फाइनल टीम में। मेरे मन में कभी भी इफ बट नहीं आया कि तुमसे मैं नहीं करोगे तो क्या करोगी, ये सवाल नहीं आया, कभी नहीं आया। ये लगता था हाँ पूरी तरीके से तुम होप करो। दिल को देखा, डेवलप कर रहा था, ये सोचता है आदमी मेरा बेटा होगा तो कैसे लगेगा, तो यही तो आता था कि हमारा भी खेलेगा, पॉजिटिव ही चलता था। सो फ्रेंकली स्पीकिंग, जब फर्स्ट टाइम ट्रायल पे बुलाया तो इट वॉज वेरी गुड, मतलब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी थी, मैं ट्रायल दे रहा था और देख के जब आ रहा था वापस बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स थे। फिर सेकेंड ट्रायल पे आया, मुझे लगा ओके नाउ माइट बी नेट बॉलर, बट रूमी सर ने लास्ट में बोला था कि वी विल डेफिनेटली सी इन द IPLs। ये बात मेरे को कहीं ना कहीं क्लिक की, सो आई वॉज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। जाने से पहले मेरे को बोला था कि जुबिन सर ने बोला है टू पुट डाउन योर वेट 6 kgs एंड यू हैव टू वर्क मोर ऑन द स्लो वंस एंड आप वर्क करो इस पर, बहुत अच्छे वेरिएशन हैं आपके। देन मैं जैसे ही आया वापस, आई स्टार्टेड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑन माई यॉर्कर्स, माई स्लोअर वन, माई बाउंसर, जो भी मेरे पास वेरिएशन है उस पर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। मेरे दिमाग में था कि नेट प्रैक्टिस के लिए काइन रखे, ऑक्शन में आने का तो हमको नहीं लग रहा था, लेकिन इनके बातों से मैं लग रहा था 50-50%। 12-13 को ऑक्शन था, तो फर्स्ट डे तो मैं नहीं देखा बिकॉज मुझे पता था कि स्लॉट बहुत पीछे है। एंग्जाइटी आ रहा था अंदर से बिकॉज इतने बड़े बड़े नाम अनसोल्ड हो रहे थे, तो मुझे ये लग रहा था कि यार ये लोग अनसोल्ड हो रहे हैं तो फिर मैं कैसे होऊंगा। जैसे उन्होंने बोला, लास्ट नेम था मेरा उस लिस्ट का, लास्ट बिल्कुल, तो 564 बोला, अनुनय सिंह बोला, आई वॉज अबाउट टू रिकॉर्ड इट, देन फिर वो फ़ोन पे, फ़ोन दूसरे फ़ोन पे जिस पर लाइव चल रहा था ऑक्शन का, उस पर व्हाट्सएप कॉलिंग, फेसबुक कॉलिंग, इंस्टा कॉलिंग, नॉर्मल कॉलिंग, तो मैं वो मोमेंट देख नहीं पाया। मैं समझ गया ओके फाइनली RRS पिक मी अप। सबसे पहले जा रहा था अपने पेरेंट्स को बताऊं, उनसे आशीर्वाद लूं, उनका भी कॉल बिजी बिकॉज उन पे भी लोगों के कॉल आ रहे थे। 15-20 मिनट के बाद फिर कॉल पापा का उठा, तो थे अरे बधाई हो ये, लेकिन अंदर से वो इमोशन था। और मम्मी से फिर बहुत देर के बाद बात हुई, तो ये था उस दिन का, खुशी का ठिकाना नहीं था, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर आधे घंटे में पोस्ट ऑफिस के सारे बच्चे ढोल बजाते हुए चर्प चले आए, आ गए आधा घंटे के अंदर में ऊपर, फिर मीडिया वाले को भी लेके आए थे साथ में। पहले वही रिलेटिव थे जो बोलते थे, फ्रेंड सर्कल में भी अच्छा भी लगता था, लेकिन एक दबी आवाज़ में जैसे बोलते थे सभी लोग कि क्रिकेट में ही सिर्फ कैरियर बनाएगा, क्रिकेट ही खेलेगा, इसमें क्या कैरियर है, अरे बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो जब इसका हुआ तो सब लोगों ने यही कहना चालू किया कि अरे बधाइयाँ भी आईं, और आपने जो कहा था कि नहीं मैं इसी में कैरियर बनाने दूंगी, वो आपका सपना सच हो गया। You know, I always supported. I did not say, okay, go for it. He did not say that same word, you know, I want to be like a cricketer or something. He just, you know, went off and just get into it. He did not even utter a single word or any expression that he just said that I want to be this, I want to be that. I think it just all, you know, happens and all flows with the way it is. I'm very grateful कि मेरे को चांस दिया, मेरे पे फेथ रखा राजस्थान रॉयल्स ने। इन फ्यूचर मैं बिल्कुल अपना 200% दूंगा टीम के जीतने में, पूरा पूरा सहयोग करूंगा।